ऑलराइट व्यूअर्स, तो फिरोज खान की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी लक लग गए के सेट से एक न्यू बीटीएस सामने आया है, जिसे देखने के बाद मैं वीडियो बनाए बगैर नहीं रह सका। व्यूअर्स, ये बीटीएस कमाल का है, इसे देखने के बाद आप लोगों को भी गूज बम्स मिलना स्टार्ट होगा। तो व्यूअर्स, इस न्यू बीटीएस को आप लोग यहां देख सकते हैं। बीटीएस को देखने के बाद आप लोगों को भी डेफिनेटली गूज बम्स मिल रहे होंगे। व्यूअर्स, इस बीटीएस से साफ लग रहा है कि फिरोज खान लंदन की किसी जेल में कैद हो चुके हैं और सभी प्रिजनर सूट्स में हैं और एक इंटेंसफुल फाइट सीन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, इस बीटीएस को देखने के बाद मुझे शाहरुख खान की मूवी डोंट टू याद आ गया, क्योंकि उसमें भी शाहरुख खान बर्लिन के किसी जेल में कैद हो जाते हैं और उसने भी इसी टाइप का ही सूट पहना हुआ था। तो नाज़रीन, अगर इस सीन में हमें डोंट टू टाइप का कोई सीन देखने को मिलेगा तो ये मूवी रिलीज के बाद एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने के साथ साथ एक इंटरनेट सेंसेशन भी बनेगा, क्योंकि नाज़रीन फिरोज खान स्पेशली इंटेंसफुल सीन्स और एक्शन सीन्स के लिए माने जाते हैं। तो इसके अभी तक जितने भी बीटीएस सामने हैं वो सभी कूल हैं। इसकी शूटिंग आजकल फुल स्विंग में लंदन में जारी है। इस मूवी में हम फिरोज खान को इंडियन एक्ट्रेस गीतिका तिवारी के अपोजिट देखने वाले हैं। उसके अलावा इस मूवी में इंडियन एक्टर आर माधवन, जावेद शेख और मेमुना कुद्दूस भी शामिल होंगी। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली और लिखा है खलील राणा ने। और व्यूअर्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूवी ईद उल अज़हा तक रिलीज होगा। तो नाज़रीन, ओवरऑल इस मूवी को बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। ये एक बिग बजटेड मूवी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूवी हमें शायद ईद उल अज़हा तक देखने को मिलेगा। और व्यूअर्स, इस मूवी को रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 डिफरेंट लैंग्वेज इसमें रिलीज़ किया जाएगा, उर्दू, मराठी और गुजराती। तो नाज़रीन, ये भी इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल आप लोगों को लग गए कि ये नई बीटीएस कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। शुक्रिया।